नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी। बात आज करेंगे भाजपा नेता जिस तरह से अग्निपथ योजना के खिलाफ इसके मतलब जिस तरीके से लाभ गिना रहे हैं भाजपा नेता, उसके खिलाफ अब कांग्रेस भी अब इस योजना को लेकर भाजपा को लगातार घेरने में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसी नेता एनसी बाबा के नेतृत्व में यहां महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सत्याग्रह कर आंदोलन का बिगुल फूंका। वहीं कांग्रेस ने मांग कही कि आपको बता दें कि सरकार इस फैसले को, जिस तरह से सरकार ने लिया है, सरकार इस फैसले को वापस ले, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है, काशीपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए साफ तौर पर नजर आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो आगे चलकर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। विरोध अब इस तरह से आगे बढ़ चुका है कि विपक्ष ने सरकार की इस योजना को मुद्दा बना लिया है। सोमवार को ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने त्रिवेणी घाट पर अग्निवीर योजना के विरोध में सत्याग्रह किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निवीर योजना की हकीकत युवाओं से सरकार छुपा रही है। यदि ये योजना युवाओं के हित में होती तो पूरे देश के अंदर युवा खुद सड़कों पर उतरकर योजना का विरोध नहीं करते। कांग्रेसियों ने दावा किया है कि वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करती रहेगी, जिससे सरकार को एक ना एक दिन कांग्रेस के विरोध को देखते हुए अग्निवीर योजना को वापस लेना पड़ेगा। जहां बीजेपी नेता अग्निपथ योजना के लाभ गिनाते थक नहीं रहे हैं, तो वह अब कांग्रेस भी इस योजना को लेकर बीजेपी को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने दिनेशपुर से है, जहां पर आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी नेताओं ने ममता हलदार के नेतृत्व में, आपको बता दें यहां तहसील परिसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल फूंका। वहीं कांग्रेस ने मांग की कि सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से एक भव्य आंदोलन किया जाएगा और विशाल आंदोलन जिसको कहा जा सकता है, विशाल आंदोलन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां हाथों में तख्तियां लेके एक जगह पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तख्तियों में साफ तौर पर लिखा है, अग्निपथ की वापसी हो, अग्निपथ को वापस लो। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध है और इसी को लेकर ये तस्वीरें दिनेशपुर से सामने आई हैं। तुलसीपुर प्रशासन और पुलिस का खनन माफियाओं पर एक बार फिर से चाबुक चल गया है। अवैध मिट्टी खनन कर जो लोग ले जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को, मजिस्ट्रेट तुलसीपुर ने पकड़ लिया है। तो बालू का खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को तुलसीपुर पुलिस ने पुरुषोत्तमपुर से पकड़ा है। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया गया है। तहसील प्रशासन ने कहा है कि ये इस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। फतेहपुर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेसियों ने इस योजना को वापस लेने के पीछे जो तर्क दिया है उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार की इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सेना के हर साल 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का ये जो टारगेट है उससे आधे से ज्यादा जो सैनिक है वो रिटायर हो जाते हैं, जबकि सरकार की इस योजना के तहत केवल 40 से 50 हजार जवानों की ही सेना में भर्ती होगी। ऐसे में धीरे धीरे हमारे देश की सेना कमजोर होती चली जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जिसमें हर पीढ़ी से लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और सरकार ने उन गरीबों और जरूरतमंदों के पेट पर लात मारने का काम किया है। सरकार जल्द से जल्द इन योजनाओं को वापस ले, नहीं तो युवाओं का गुस्सा उनकी सरकार के खिलाफ फूट पड़ेगा, जिसे संभालना मोदी सरकार को मुश्किल हो जाएगा।
इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, आपको बता दें कि आह्वान इस दौरान किया गया था, जिसके निर्देश पर अब तमाम जिलों में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने का सिलसिला लगातार जारी है और उसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और एक तस्वीर ये सितारगंज से निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ वो लोगों ने धरना दिया है, धरना बैठकर दिया गया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जिस तरह से सरकार ये योजना को लेकर आई है, इस योजना की वापसी होनी चाहिए, ये योजना सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के हित में नहीं है। दिनेशपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सब्जी रेडी विक्रेताओं को नगर पंचायत सभागार में चेयरमैन सीमा सरकार और ईओ सरोज गौतम के नेतृत्व में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान रेडी विक्रेताओं को आर्थिक लाभ देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन दिया गया था, जिसे किस्तों के माध्यम से कम ब्याज दरों के साथ वापस कर दिया गया, जिस पर अब सरकार ऐसे लोगों को 20,000 से 30,000 रुपए देने का अतिरिक्त लोन देगी, जिसके लिए प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उधमपुर नगर में, आपको बता दें, उधम सिंह नगर में बदमाशों का उधम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हथियारबंद बदमाश अपना रौब गाटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर किच्छा रोड की है, जहां राधा स्वामी सत्संग घर के बाहर, आपको बता दें कि इनके साथ बदसलूकी की गई है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इनको पीटा जा रहा है, पीटने की ये तस्वीरें सामने आ रही है। दबंगों की दबंगाई एक बार फिर से सामने आई है, बाइक से उतरे हुए दबंगों ने यहाँ पर जमकर पिटाई की है। साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में लाठी डंडे दिए ये दबंग एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब सुर्खियां बन चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां पर एक विशेष समुदाय के लोग भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सहारनपुर में आज चर्चित भूमाफिया सन्नी लाखपाल की संपत्ति पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर, आपको बता दें, चल गया है। एसडीएम सदर और विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। एसडीएम सदर किशंकु श्रीवास्तव विकास प्राधिकरण की टीम के साथ जनता रोड पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया, जहां वहां सनी नागपाल द्वारा स्विमिंग और बाग बगीचा बनाया गया था, पुलिस ने फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को भी तोड़ दिया गया। एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव ने कहा है कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर अब पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल में इसी के संबंध में सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया है कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस व प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से तैयार किया जा रहा है एक रोल मॉडल। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है। पुलिस द्वारा, आपको बता दें, ट्रैफिकिंग की व्यवस्था को लेकर भी प्लान तैयार कर लिया गया है। विभिन्न राज्य जहां से कांवड़ यात्रा आती है उसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि हम लोग अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी भी कर रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल में ये वाक्य जब आता है, जब इन वाक्यों का जिक्र किया जाता है, तो मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिसका जिक्र भी हमने किया, ये बात साबित कर दिखाई है स्वाति सिंह। स्वाति जालौन के एक छोटे से गाँव की रहने वाली है और हाल ही में उन्होंने लखनऊ के आयोजित हुए पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। स्वाति स्टेट जीतने के बाद नेशनल जीतने की तमन्ना रखती हैं। कमाल की बात तो ये भी है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और बिना ट्रेनिंग के ही गोल्ड उन्होंने जीत लिया है।
स्वाति सिर्फ एक हाथ के अपने सारे ज़रूरी काम करती हैं। उनका कहना है कि अगर जज्बा हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। दलित महिला ने स्थानीय थानेदार से जान माल की हिफाजत की है। आपको बता दें कि अभद्रता तथा पक्षपात का आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान समेत आला अधिकारियों से शिकायत की सुनवाई ना होने के कारण महिला ने मुख्यमंत्री के दरबार पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला पूनम भाजपा महिला मोर्चा की कार्यालय प्रभारी है। अब देखना यह होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कुछ करते हैं। सहारनपुर प्रपन्नाचार्य पंडित, आपको बता दें कि संजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आता है, नशे के खिलाफ अब युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नशे के खिलाफ युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार युवाओं में नशे की खेप देखने को मिलती है, नशे को लेकर युवा लगातार प्रेरित नजर आते हैं, अब उसी को लेकर उनकी तरफ से बयान कहा गया है। और अब आपको खबर बताएंगे जहां पर एक अनोखा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल में ये अनोखा मामला जहां से निकलकर सामने आया है उसकी तस्वीर भी आपको बताएंगे, जहां पर एक तरीके का मामला जैसे ही निकलकर सामने आया तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो निकलना शुरू हो गई। आपको बता दें श्रावस्ती में डीएम नेहा प्रकाश की मौजूदगी में जिला पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है। और आपको बता दें कि समस्याओं के निवारण के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। इसी कड़ी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब कूड़े की समस्या जो है वो लोगों को परेशान करने लगी है। गंगा नदी की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर कूड़े के अंबार से अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से गंगा नदी को दूषित किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर कूड़े का अंबार धीरे धीरे जमता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की लापरवाही जरा देखिए कि यहाँ पर कूड़ा इस कदर एकत्रित होता गया कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग को अब ये कूड़ा जो है वो बाधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं और यातायात बाधित होने की समस्या भी बन सकती है। और आपको एक युवक का किस्सा सुनाएंगे। दरअसल में एक युवक ने एक बेहद ही एक अहम काम कर दिखाया। दरअसल में आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी भरत भूषण का एक मंत्र सामने आया है। कई युवा जो है वो इंटरेस्टेड नजर आते हैं योग के बारे में जानने को लेकर। और सहारनपुर से एक ऐसे योग गुरु है जिन्होंने योग के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरह से योग करने से हमारे जीवन के अंदर जितनी तमाम तरीके की मुश्किलात हैं वो योग करने के बाद उन मुश्किलों से हम पार पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। दरअसल में बीते दिनों भी पूरे देश भर में विश्व योग दिवस मनाया गया था। इसकी आहट ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व भर में देखने को मिली थी। लोगों ने इसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया था। सहारनपुर में योग के बारे में इसी को लेकर जानकारी साझा की गई है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।